हेलो गेमर्स, वेलकम बैक एंड गाइस, आज के इस वाले वीडियो में फिर से करने वाले हम कुछ ना कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। सो चलो यार शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सो फिलहाल में गाइस हमारे वर्ल्ड में बारिश हो रही है एंड जो हमारा ये फार्म दिख रहा होगा छोटा सा, हमने जो फार्म पहले वहाँ पर बनाया था उस फार्म को मैंने थोड़ा सा दूर ला के बना दिया जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में यार। एंड इस एरिया को मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है एंड अभी फिर से नाइट होने वाली है। मैंने ऑफलाइन रह के कुछ काम किया था थोड़ा बहुत। एंड गाइस यार आज मैं माइनिंग को ज़्यादा नहीं दिखाने वाला क्योंकि माइनिंग देख देख के तुम भी बोर हो जाते होगे यार। एंड यहाँ पे हमारे क्रीपर ने ब्लास्ट कर दिया था इसलिए मेरे को यहाँ पर वुड लगाने पड़े थे। सो चलो यार अभी सो जाता फटाफट से, शुरू करते हैं मॉर्निंग में अपना काम। ओके गाइस यार मैं भी माइनिंग करता हूँ, माइनिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तुमसे क्योंकि यार अभी लगातार अगर माइनिंग बताऊँगा तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाओगे तुम। सो मैं मिलता हूँ। अरे स्पाइडर मैं डर गया, मैं बहुत जोर से डर गया यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अरे यार मैं अचानक से मेरे को ऐसा लगा जैसे ये क्या हो गया। अरे मारेगी ये मेरे को, पक्का मारेगी। अरे चलो ठीक है गई। सो एक स्पाइडर स्पॉन हुई लेकिन उसने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया फिलहाल में। ओके गाइस यार मेरे को काफ़ी देर के बाद में थोड़ी देर माइनिंग कर रहा था और माइनिंग करते करते अचानक से मेरे को एक चेस्ट मिली है, देखते इसमें क्या है। सो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं लेकिन मेरे को इसमें एक स्वॉर्ड मिल गई आयरन की, वो भी बनी बनाई यार, ये अच्छा काम हो गया। सो हम इस स्वॉर्ड को ले लेते हैं यहाँ पे। एंड अब मेरे पास चिप्स मिली है मेरे को फूड के लिए, ज़रूरत तो पड़ेगी से इसकी। एंड नाउ भी मेरे पास एक और आयरन का ब्लॉक मिल चुका था मेरे को। सो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं एंड इसको उठा लेते हैं। सो चलो यार अभी इस चेस्ट को उठा लेते हैं फिर से माइनिंग करते हैं। नाउ गाइस थोड़ी देर के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिल चुकी है, देखते हैं इसमें क्या है। सो इसमें मेरे को 2 एमराल्ड मिले यार, काफ़ी सही मेरे को 2 एमराल्ड मिल गए लेकिन अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे क्योंकि हमारे पास भाई वो भी नहीं आया जो यहाँ पर आ जाता ना स्पॉन होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, ऐसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो 2 लामास को लेकर आता है। सो खैर इसको मैं तोड़ लेता हूँ। सो फिर से मेरे को एक और चेस्ट मिल चुकी है थोड़ी देर में, अब इसको देखते हैं। सो इसमें मेरे को एक लेदर के शूज़ मिले हैं और साथ में इन पर कुछ डाई कर रखी है, डाई का कलर कर रखा है एंड कुछ एरोज़ भी मिल गए हमारे पास। सो ठीक है यार अभी काफ़ी चीज़ें हो सकी, थोड़ी बहुत मैं शूज़ पहन लेता हूँ अपने, ठीक है बूट पहन लिए मैंने। सो थोड़ी देर में मेरे को फिर से एक और चेस्ट मिल चुकी है, देखते हैं यार इसमें क्या है अभी। सो इसमें सेम चीज़, इसमें मेरे को बूट की जगह पे मेरा एक लेदर का पेंट मिल चुका है मेरे को। एंड नाउ मेरे को कुछ फिर से एरो मिली है, मेरे पास 20 एरो हो चुकी है टोटल मिला के। नाउ गाइस मेरे को फिर से एक और गोल्डन की ओर मिल चुकी है ना, अब मैं इस ओर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता यार क्योंकि भाई हमारे पास पहले हम 2 ओर को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अभी मेरे पास इतना आयरन है कि मैं एक आयरन की पिकेक्स बना सकता हूँ और जिससे हम अपनी गोल्ड की जो ओर है उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो नाउ मेरे को थोड़ी सी स्टिक चाहिए होगी एंड अभी क्या करना है हमको कि हम बना सकते हैं एक हमारी पिकेक्स को। पिकेक्स बन चुकी है एंड अभी क्या करना है, तोड़ लेते यार इसको फटाफट से। सो हमारा पहली गोल्ड की ओर हमारे पास आने वाली है अभी। नाउ गाइस मेरे को थोड़ी देर के बाद फिर से एक इपिक चेस्ट मिल चुकी है, ये स्पेशल चेस्ट है, हो सकता है इसमें कुछ स्पेशल आइटम जरूर होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलो इसको ओपन करते हैं। सो इसमें मेरे को एक लावा बकेट मिल चुकी है, मतलब हमको कोबलस्टोन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम बहुत सारे कोबलस्टोन बना सकते हैं। सो एक कोबलस्टोन फार्म भी बना सकते हैं। नाउ कहाँ गई मेरी चेस्ट, अरे मैं डर गया यार कहीं खो तो नहीं गई। नाउ हमारे पास काफ़ी सारे ब्रेड आ चुके हैं, एक मेरे को पिकेक्स मिल चुकी है, पहले आ जाती क्या दिक्कत थी यार, मेरे को बनानी नहीं पड़ती। सो गाइस मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे बना लेते हैं हम हमारा कोबलस्टोन फार्म। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लगाने पड़ेंगे कुछ ब्लॉक्स, एक कुछ ब्लॉक्स आगे चलते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा इतना। सो मे भी हमको थोड़ा 3-4 ब्लॉक आगे जाना चाहिए। सो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर आके यहाँ पे बनाया है कि ब्लॉक, ये आपको आता ही होगा मेरे को बताया बनाना। सो यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक की जगह यहाँ पे कवर कर दी आइट साइड से एंड 1 ब्लॉक की जगह बीच में रखी है और 1 ब्लॉक की जगह यहाँ पे रखी है, इसको भी यहाँ पे पैक कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। एंड अभी यहाँ पे डालना है हमको एक ब्लॉक डिक करना है पहले सो, और यहाँ पे हमको वाटर डालना है और यहाँ पे डालना है हमको अपना लावा। सो मैं लेकर आता हूँ फटाफट यार। सो ऑलराइट गाइस मैं वाटर ला चुका हूँ, हमको यहाँ पे लगाना है एक वाटर बकेट एंड वहाँ पे डालना है हमको लावा। सो यहाँ पे लावा डाल देते हैं एंड ये देख सकते हैं गाइस बीच में कोबलस्टोन बन चुका है ना, अभी यहाँ पे खड़ा हो जाना है बस हमको यहाँ पे एंड यहाँ से हम हमारे कोबलस्टोन को ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो खैर अभी हमको कोबलस्टोन की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना आगे काम करना है, तो चलो अभी माइनिंग करते हैं फिर से। सो गाइस मैंने भी डिसाइड किया कि यहाँ पर कभी गलती से अगर क्रिपर वगैरह फिर कोई सा मॉब स्पॉन हो गया तो हमको दिक्कत हो सकती है, तो हमको क्या करना है कि अभी एक शील्ड बना सकते हैं हम, तो एक शील्ड बना लेते हैं यार पहले।
सो उसके लिए मेरे को वुड प्लैंक चाहिए होगी, तो वुड प्लैंक काफ़ी सारी हमारे पास, एंड एक शील्ड बना सकते हैं अभी हम। सो अभी शील्ड को मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत तो पड़ सकती है यार कभी भी। ओ नो 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 नो, ओ बच गया यार। सो गाइस अभी मैंने डिसाइड किया है कि यार अभी कुछ ज़्यादा सामान तो हमको नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास वीट फार्म नहीं है, तो हमको एक वीट फार्म बना लेना चाहिए, एंड उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे सीड की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हमको सीड के लिए कुछ से जुगाड़ करना पड़ेगा। सो मेरे पास काफ़ी सारे बोन मिल रखे हैं यार, तो किसी काम के नहीं मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल में वो। सो अभी ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कि बोन मिल लगा लगा के यहाँ पे अपन जो भी ग्रास वगैरह को बड़ा करते हैं और उनसे सीड लेते हैं, तो इससे हमको काफ़ी सारे फ्लोर भी मिल जाएंगे यार। एंड गाइस अभी मेरे को वीट वगैरह बोने के लिए यहाँ पे मेरे को वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वाटर के लिए मेरे को कोल्ड्रन चाहिए यार अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है। सो अभी हम ऐसा करते हैं वीट का फार्म बाद में बनाएंगे, अभी हम थोड़ी सी और माइनिंग करते हैं, एंड जो आयरन मिलेगा उससे हम अपना कोल्ड्रन बनाने की कोशिश करेंगे पहले। सो मेरे पास आयरन की बस एक ही प्लेट है यार, अभी ज़्यादा प्लेटें भी नहीं है। सो ठीक है यार, अभी थोड़ी सी माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद आगे का काम करेंगे अभी। नाउ गाइस हम फिर से एक बार एक और नए लेवल पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे हमारा एक और बेडरॉक आ चुका है, यहाँ पर कुछ काउंटडाउन भी चल रहा है रिवर्स में। सो हम नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं फिलहाल में, अभी कुछ नए ब्लॉक आने वाले हैं हमारे पास में, थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड ये तो फिर से वही आ गया यार, कुछ नया नहीं हुआ इसमें, मेरे को लगा था कुछ अलग चीज़ आएगी यार। खैर गाइस ये जंगल बायो में आ चुकी है, शायद से मेरे को लगा जंगल वाली चीज़ आएगी यहाँ पर, लेकिन अभी तो माइनिंग की आ रही है सारी की सारी, लगता है अपनों को पॉपअप कर दिया इन्होंने। अरे लापिस लाजुली, मतलब कुछ नई चीज़ तो मिली ना हमको यार अभी, लाइक मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी थी, मेरे पास नहीं आ रही है अभी फिलहाल में। सो इन्वेंट्री खाली करता हूँ यार पहले। नाउ गाइस मेरे को लगता है कि जो हमारा थर्ड वाली स्टेज है, इसके अंदर हमको स्नो मिलने वाला है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे स्नो के ब्लॉक आ रहे हैं, एंड साथ में कुछ नई और भी एड हुई है, लाइक मेरे को अभी लापिस लाजुली मिला जो कि पहली बार मिला इस पे इस मतलब लेवल के बाद में। सो यही दो तीन चीज़ें मेरे को लग रहा नई आई है, एंड इस स्नो को उठाते कैसे यार, शायद सोवेल से उठाते हैं। सो हाँ इसे मिलती है, मतलब इसे स्नो पाउडर मिल जाएगा हमको, स्नो बॉल मिल जाएगी, पाउडर नहीं मिलेगा। फिर से लेपिस लाजुली आ चुकी है। सो ओके गाइस आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ किया है, हमने कोबल स्टोन फार्म बना लिया है, एंड उसके साथ में हमने बनाया एक वीट का छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि वीट फार्म बनने वाला है आगे जाके हमारा, एंड उसके साथ में हमने एक अपना एक और लेवल कम्प्लीट कर लिया है और नई और भी आना शुरू हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि एक वूल फार्म बनाएंगे और एक चिकन फार्म हो सकता है या फिर एक फार्म हो सकता है। सो दो तीन फार्म नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, एंड भाई चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो। इस वीडियो को अब लाइक है, हम सिर्फ 5 लाइक्स रखते हैं। सो ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।